हरिद्वार में चार धाम यात्रा को देखते हुए नगर आयुक्त आलोक पांडे ने सर्व संगठनों की बैठक बुलाई। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा पॉलिथीन का रहा। नगर आयुक्त ने कहा कि वो पॉलिथीन को बंद करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी संगठनों को भी आगे आकर पॉलिथीन को बंद करने में मदद करनी होगी। यहाँ हमने जब से ज्वाइन किया था, हम लोग कोशिश कर रहे थे, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को हम लोगों ने एक्टिवेट किया है। और जैसा कि जानते हैं, हरिद्वार में हर साल 10 से 15 करोड़ के लोग बाहर से यात्रा करते हैं, और पॉलिथीन एक बहुत गंगा जी यहाँ पे हैं और गंगा जी के किनारे पॉलिथीन एक बहुत बड़ा विषय है, जिस पर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सब लोगों के आदेश प्राप्त होते रहते हैं, और हम लोग इस पर कार्रवाई भी करते रहते हैं। लेकिन दोनों पहलू हमें देखना पड़ेगा कि एक तो हम उस पर एक्शन लेते हैं, दूसरा प्रमोशन के लिए क्या विकल्प उपलब्ध कराते हैं। तो हम लोगों ने महिला समूहों के साथ बैठक की, उनसे कुछ प्रोडक्ट डेवलप कराए थे, और आज हरिद्वार के जितने भी 54 व्यापार मंडल ग्रुप हैं, उनके जो प्रदेश स्तर के, जिले स्तर के पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक बुलाई गई थी, महिला समूह की सदस्यता भी थी, और उन्होंने पॉलीथीन के विकल्प के रूप में जो उत्पाद बनाए हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं, देखने में भी बहुत अच्छे हैं, हरिद्वार ब्रांड की उससे प्रमोशन हो रही है और महिलाओं को रोज़गार भी मिल रहा है, और पॉलीथीन का वो बहुत मजबूत और सशक्त विकल्प है, क्योंकि पॉलीथीन एक बार में ख़राब हो जाती है और उसी कास्ट में ये 10 से कम हमें लग रहा है 30 से 40 बार यूज किया जा सकता है। तो इसको हमने दोनों को बैठा के आमने सामने प्रदर्शन कराया है, और व्यापार मंडल ने इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो महिलाओं से अपने ऑर्डर करके अपने साइज के हिसाब से उसको डेवलप कराएंगे, और भविष्य में पॉलीथीन उन्मूलन में ये बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ पर्यावरण की रक्षा के लिए पॉलीथीन का रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पॉलीथीन की वजह से मैं समझता हूँ कि नालियाँ चौक हो जाती हैं, और तमाम मैं समझता हूँ कि जो भी पर्यावरण दूषित हो रहा है वो पॉलीथीन की वजह से है। तो आज MNA महोदय द्वारा जो है एक सार्थक पहल की गई है, और तमाम मैं समझता हूँ संगठित क्षेत्र के जितने भी हमारे व्यापारी संगठन हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया, और निश्चित रूप से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि पॉलीथीन को किस प्रकार से हरिद्वार से साफ करना है, ये एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए विकल्प के रूप में मैं समझता हूँ कि MNA महोदय ने अभी जो है महिला समूहों के माध्यम से, जो महिला मंगल दल हैं उनके माध्यम से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है कि तमाम उन्होंने एक थैले तैयार करे हैं, जिसमें 6 रुपये का थैला है, 8 रुपये का थैला है, 10 रुपये का थैला है। वो थैला जो है मैं समझता हूँ यात्री को भी उपलब्ध कराएँ और स्थानीय नागरिक को भी उपलब्ध कराएँ, साथ के साथ जब हम सामान बेच रहे हों, तो ये एक अच्छी सार्थक पहल है। और दूसरी बात ये आई है कि गंगा के किनारे किस प्रकार से साफ सुथरा रखना है, इस बात को लेकर भी आज परिचर्चा की गई, और उसमें हम लोगों ने सुझाव दिए कि निश्चित रूप से जहाँ NGT के सामने आप अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं वहाँ संयंत्र भी होने चाहिए, जो संयंत्र मैं समझता हूँ कि साफ सफाई में उपयोग हों। तीसरी बात आई कि शहर के अंदर जो कूड़ा गिर रहा है, जो जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो कंपनी जो है शुद्धता के साथ में, एक इच्छा शक्ति के साथ में काम नहीं कर रही है, इसकी शिकायतें आ रही हैं, तो उसके विकल्प में हमने कहा है कि डे नाइट की एक हमारी शिफ्ट होनी चाहिए कि रात के कर्मचारी अलग हों और दिन के कर्मचारी अलग हों। जो दिन में, रात में जो कूड़ा गिरता है होटलों का या इत्यादि क्षेत्रों का, वो मैं समझता हूँ यात्रा काल के दौरान जो है वो रात को ही साफ हो जाना चाहिए, और इस पर भी फोकस किया जाना चाहिए। तमाम इन सभी चीज़ों पर आज फोकस हुआ, और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने इसमें जो है हामी भरी है, और हम लोगों ने आज तय किया है कि निश्चित रूप से आज इस बात का हमने संकल्प लिया है कि निश्चित रूप से आने वाले पर्यावरण दिवस जो हम मनाएंगे, एक अच्छा पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाएंगे, और ईमानदारी के साथ पर्यावरण दिवस मनाएंगे। इसके लिए हम लोग अब सार्थक पहल करेंगे, और ये जो महिला मंगल दल है इनके साथ और हमारा लघु व्यापारी जितना भी है उसके साथ एक समन्वय स्थापित कर इस पॉलीथीन को जड़ से समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाएंगे।